जनपद एटा डीएम डॉक्टर विभा चहल द्वारा नाइट कर्फ्यू के दौरान अचानक शहर के माया पैलेस चौराहे पर पहुंचकर शहर में लागू किए गए नाइट कर्फ्यू का जायजा लिया गया, साथ ही नाइट कर्फ्यू के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते जनपद एटा में भी नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। नाइट कर्फ्यू के दौरान डीएम डॉक्टर विभा चहल द्वारा विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई, क्या कुछ कहा चलिए सुनते हैं। आज से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक, जिसमें जो है सामान जन सामान्य के लिए बिना आवश्यक कारण के बाहर निकलने के प्रतिबंध लगाए गए हैं। सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज या फिर माल वाहन इत्यादि या लंबे रूट की गाड़ियाँ इस तरह के भी। पंचायत चुनाव को लेकर जी इसमें बिल्कुल है, क्योंकि 9 बजे के बाद अब कोई भी जो है प्रत्याशी वो अपना प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। जो करना है सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक के लिए किया जाएगा। इसके नाइट कर्फ्यू क्या है? आज पहला दिन है, आज हम बाहर निकले हैं लोगों को अवेयर कराने के लिए, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि किसी को अवेयर कराया जा रहा है। इसके बाद और ज़्यादा हमारे द्वारा सख्ती कर दी जाएगी, जिसमें हम चालान भी देंगे। मैम, जैसे कि पास के क्षेत्र में गाँव में रैलियाँ निकाली जा रही है, तो 9 बजे के बाद इन पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी, क्यों नहीं की जाएगी, जैसे ही मालूम पड़ेगा पूरी कार्रवाई करेंगे। ठीक।